हेलो एवरीवन, आज हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे और जो बचा हुआ पेंडिंग पार्ट है वो हम आगे करने जा रहे हैं। लेट वी स्टार्ट। एक और तरह का क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर बेस्ड होता है। हमारे पास टॉपिक होता है क्या, हमारे पास क्वेश्चन होता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर किसके बीच, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। हम बात करें अगर कि हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती हैं वो चार्जेस के बीच में होती हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, न्यूटन साहब ने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में होती है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक मास दूसरे मास को हमेशा क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला होता था जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अभी फिलहाल क्या है, मेरे पास दो प्रोटोन है, एक प्रोटोन ये है, एक प्रोटोन ये है, दोनों का चार्ज जो है वो प्लस ई, प्रोटोन का चार्ज ई होता है, प्लस ई, प्रोटोन के पास मास भी होता है, वी नो वेरी वेल एम पी एंड वट एम पी। अब चार्जेस की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगी, लाइक चार्ज है, और मासेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके स्ट्रांग होने का कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के वीक होने का कारण कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट भी होते हैं। जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10^-11, और के की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 9^-9+9। तो जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जिस वजह से हमेशा जो फोर्स है लाइट मासेस के केस में, अट्रैक्शन फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक आती है। अब हम एक स्ट्रांग फोर्स और एक वीक फोर्स का रेशियो निकालने जा रहे हैं। ये रेशियो हमें ये बताएगा कि स्ट्रांग फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो रेशियो हमेशा ये बताता होता है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो लेट मी डिस्कस दैट। हमारे पास यहाँ पर जो है एक प्रोटोन है, एक प्रोटोन है, दोनों का चार्ज E है, दोनों का मास MP है, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ तो K Q1 Q2 by R square, यानी कि K E into E, K E square by R square। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो G M1 into M2, यानी कि MP into MP, जी एम पी स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया रेशियो निकालते हुए, बचा के ई स्क्वायर बाय जी एम पी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमें पता होती हैं, के की वैल्यू 9^9, ई मतलब चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, दैट इज 1.6^-19 उसका स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67^-11, और मास ऑफ प्रोटोन जो होता है 1.67^-27 उसका स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करने पर आता है 1.24×10^36 न्यूटन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितने टाइम ज़्यादा है, 1.24×10^36 टाइम जो है वो ज़्यादा है। एफ ई यहाँ है, एफ जी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो एफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.24×10^36 टाइम्स ऑफ वट, एफ जी। ठीक है जी, सेम वे में हम दो प्रोटॉन के साथ साथ यही फोर्स का रेशियो निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के केस में। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के केस में ये रेशियो निकालता हूँ तो इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो चार्ज सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है चार्ज का, इसका मैग्नीट्यूड भी 1.6×10^-19, इसका भी उतना ही होता है, बट एक पॉजिटिव होता है और एक चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड लेते होते हैं फोर्स निकालते हुए, तो वो दोनों का सेम है। पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का मास जो है वो सेम नहीं होता है, मास अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोबारा से हम अगर एफ ई निकालते हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो के क्यू वन क्यू टू के ई इंटू ई ई स्क्वायर बाय में क्या आर स्क्वायर, एफ जी निकालता हूँ तो जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, डिवाइड बाय व्हाट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरा फॉर्मूला आ रहा है के ई स्क्वायर बाय में जी एम पी इंटू एम ई। यहाँ सबकी वैल्यू हमें पता है, एम पी एम ई की वैल्यू पता है, ये पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा 2.27×10^39 न्यूटन। यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से इतने टाइम्स ज़्यादा है। अब क्या होता है, दो प्रोटॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो गया, अब क्या बचा, अब बचे दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं हम लोग तो माइनस ही, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मास भी क्या है सेम है, जैसे ऊपर दो प्रोटॉन थे ऐसे नीचे दो इलेक्ट्रॉन है, फिर से वही आएगा के ई स्क्वायर, जैसे यहाँ आ रहा था, यहाँ आया था जी एम पी इंटू एम पी जी एम पी स्क्वायर, यहाँ आया था जी एम पी इंटू एम ई, यहाँ आएगा जी एम ई इंटू एम ई,
तो के ई स्क्वायर बाय में जी एम ई स्क्वायर, अब इनकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और अपने आप इसका आंसर निकालेंगे आप कि इसका आंसर क्या निकल कर आता है अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच ये फोर्स का रेशो फाइंड आउट करते हैं। कैरी ऑन, नोट कर लीजिए, वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है हमारा। मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस है r। अब जो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, मान लेते हैं वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, जब वो v वेलोसिटी के साथ घूमता हुआ जा रहा है तो उसको इस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जो टूवर्ड्स द सेंटर लगे, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। अब टूवर्ड्स द सेंटर इसको कौन खींच रहा है, वो कौन सी फोर्स है जो इसके पाथ को बार बार, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है, वो कौन सी फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। जो कि यहाँ अगर देखी जाए तो सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, सपोज कीजिए, तो एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे देखूँ F इज इक्वल टू दैट इज K क्यू वन क्यू टू, क्यू वन प्लस ई है, क्यू टू भी ई है, यानी कि ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो के ई इन टू ई, ई स्क्वायर बाय में क्या आर स्क्वायर। यही वो फोर्स है जो एग्जैक्टली किसका काम कर रही है, सेंट्री पिटल फोर्स का। सर्कुलर पाथ पे तो ऑलवेज आपको वो फोर्स पहचाननी होती है जो टूवर्ड द सेंटर लग रही है, और इसी को बोल दिया जाता है क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ। कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग हेयर, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, के ई स्क्वायर बाय में क्या एम आर, के स्क्वायर बाय में एम आर, और उसका क्या अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ से मैंने वी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस वेलोसिटी के साथ ये प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसमें और क्या पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड निकालना पड़ जाए मुझे, कितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा है। टाइम होता है जी डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट इज़ द स्पीड, अभी निकाला आपने स्पीड का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या है, एक चक्कर लगाने पर एक सर्कमफेरेंस कवर होगी, एक चक्कर लगाने पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2πr, बाय में स्पीड क्या है v। आप यहाँ से 2πr और नीचे v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। v की वैल्यू है के ई स्क्वायर बाय में क्या एम आर। इसको ज़्यादा करें तो और सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या सॉल्व कर सकते हैं जी आप, जो है 2π को रहने दीजिए बाहर, r, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम आर बाय में के ई स्क्वायर। बात तो एक ही है, एम आर ऊपर चला गया, एम आर बाय के ई स्क्वायर। इस r को रूट के अंदर ले जाइए, इस r को रूट, डिफरेंट बुक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, टाइम पीरियड निकाला जा रहा है 2π, और r को आप जो है जब ले जाएंगे तो अंदर तो क्या होगा, ये r है रूट में जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में r का स्क्वायर हो जाएगा, और एक r ऑलरेडी है अंदर, तो r का स्क्वायर इंटू r, r क्यूब बाय में क्या के ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके MCQs का। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो तो सारा का सारा फैक्टर रूट में ले जाओ, कई किताबों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सारा फैक्टर रूट में ही है। 2π को भी रूट में ले जाऊँगा तो वो हो जाएगा 4π स्क्वायर, साथ में एम आर क्यूब, है ना, 2π का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर जाके 4π स्क्वायर, साथ में के ई स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर दें साहब तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4π स्क्वायर एम आर क्यूब। यूनिवर्सल वाली किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है के की वैल्यू पुट करके 1/4π एप्सिलॉन नॉट, साथ में ई स्क्वायर, है ना, कहीं गलती तो नहीं करी हमने, नहीं बिल्कुल ठीक किया हमने, तो ये 4π एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, दैट विल बी 8 नहीं 16 सॉरी
16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब है ना, बाय में क्या ई स्क्वायर। ये आपका टाइम पीरियड का मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते थे। इसको हमने सॉल्व किया जी, टाइम को लिखा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड ऑलरेडी हमने सेंट्रिपिटल फोर्स के फॉर्मूले से यहाँ निकाल रखी थी, बस कुछ नहीं किया। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिर्फ। मैंने क्या किया है, जितने फैक्टर रूट से बाहर थे सबको उठा के रूट में लेकर गए, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो आ गया 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाय ई स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।